फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी चावल की मठरी बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और ये बनाने में भी बहुत आसान है। चलिए इसको बनाने की रेसिपी देखते हैं। चावल की मठरी बनाने के लिए 2 कप चावल का आटा लें, उसमें 1 कप मैदा डालें। आप चाहें तो मैदा स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैदा डालते हैं तो बेलने के टाइम उतना फटता नहीं, इसके लिए मैदा मिक्स किया। थोड़ा सा नमक डालें, फिर इसमें थोड़ा अजवाइन क्रश करके, थोड़ा सा कसूरी मेथी, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें आप 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल या तो घी ऐड करें, उसे भी डाल के आपको हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से अगर ये बाइंड होने लगे तो समझ लीजिए आपका एकदम सही रेशियो में डाला है। फिर आपके खस्तेदार मठरियाँ बनेंगी। ये अच्छे से हाथ में बाइंड हो रहा है तो इसकी खस्तेदार मठरियाँ बनेंगी। अगर अच्छे से बाइंड ना हो तो समझ लीजिए उसमें घी या तेल कम है। फिर इसे आपको गुनगुने पानी से इसका डो रेडी करना है। ठंडा पानी नहीं मिक्स करना है आपको, गुनगुने पानी से इसका डो रेडी करना है। इसका सॉफ्ट डो रेडी करें क्योंकि चावल पानी एब्जॉर्ब करता है। फिर उसे 15-20 मिनट के लिए ढक के रख दें। फिर इसका मसाला रेडी करते हैं। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा 1/2 चम्मच मैगी मसाला और 1/2 चम्मच नमक। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लें। आपको इसे मठरी के ऊपर से मिक्स करना है। फिर हमारा डो सेट हो चुका होगा। फिर इसे आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसे पतला बेल के मठरी जैसे शेप दे के इसे बेल सकते हैं। फिर इसे मठरी की शेप में कट कर ले। आप जो भी शेप में कट करना चाहे उसे कट कर सकते हैं। मैंने साइड के पार्ट निकाल दिए हैं। अगर मैदे का सिर्फ होता है तो साइड से वो फटते नहीं है, चावल का है तो साइड से हल्के फुल्के फटते हैं, तो इसे आप कट करके निकाल दें। फिर इसे अच्छे से कट कर लें मठरी की शेप में। आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। फिर एक तरफ पैन में तेल डाल के उसमें गरम कर लें। फिर इसमें आपको सारी मठरियाँ पहले हाई फ्लेम पे ही डालना है, पहले से लो फ्लेम नहीं करना है। एक बार अच्छे से ये हो जाए तब थोड़ी देर बाद इसे आपको लो फ्लेम करना है, नहीं तो स्टार्टिंग से लो फ्लेम करेंगे तो अच्छे नहीं बनेंगे। सारी मठरी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लें। अब ये हो चुके हैं, इसे एक बर्तन में निकाल लें। फिर आपको इसमें मसाला ऐड करना है। आपको इसको ठंडा होने के बाद नहीं मसाला, क्योंकि अभी गर्म है तो इसमें मसाले डालेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आपको गर्म पे ही इसे डालना है। आप जितनी बार भी फ्राई करें उतनी बार थोड़े थोड़े मसाले ऐड करें तो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठंडा होने के बाद जब उसमें तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अच्छे से मिक्स नहीं होता है। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर ले। फ्रेंड, ये बहुत ही टेस्टी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे। ये बहुत ही क्रिस्पी है।